हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको ब्लाउज कटिंग करना बताया था। इस वीडियो में मैं ब्लाउज को स्टिचिंग करना बताऊंगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने पूरे को कच्चा कर लिया है, पूरे नेक से लेके अंडर आर्म तक। ये देखिए पूरे तरह से पूरे आगे पीछे सब में मैंने कच्चा कर दिया है। इसे दोनों को पकड़ के इस तरह से ज्वाइंट कर ले दोनों कंधे को। बराबर में पकड़ के इसे जोड़ दें। इस तरह से इस साइड को भी जोड़ दें। ये देखिए ये हो गया है। अब हम टेकिंग देंगे। टेकिंग में दोनों साइड से जहां से मार्क किया हुआ है उस मार्क से इस मार्क तक पकड़कर दोनों टेकिंग को मिलाकर एक ही साथ दे देना है। बीच में हल्का मोटा कर देना है, किनारे किनारे से पतला रहेगा। अब हम नीचे की साइड भी इसी तरह से टेकिंग देंगे। सारे में हम जहाँ जहाँ भी टिक किया हुआ है सारे में हम इसी तरह से टेकिंग दे देंगे। पीछे के साइड भी हमने टेकिंग इसी तरह से दे दिया। पीछे का पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें फ्रंट वाले पार्ट को दोनों पार्ट को मिला करके और बीच से कट कर देना है। ये देखिए मैंने कट कर दिया है इसको। अब इसे इसमें हमें पट्टी जोड़ना है। पट्टी जोड़ने के लिए जो हमारा राइट साइड है, देखिए जो हमारा राइट साइड है उसमें हम 1.5 इंच का पट्टी लगाएंगे। ये ऊपर से ही पट्टी लगाएंगे, सीधी तरफ से ही। ये मैंने कट कर लिया है 1.5 इंच का पट्टी। अब इसमें हम सीधे तरफ से 1.5 इंच का पट्टी लगाएंगे। ये देखिए पट्टी लग चुका है, मैंने पट्टी लगा दिया इसमें। अब उसके दूसरे वाले पार्ट में, लेफ्ट साइड वाले पार्ट में, अब हम इसे जिस में का ये कपड़ा है उसी कपड़े का 4 इंच का पट्टी लेंगे और उस पट्टी को इसमें उल्टे तरफ से, ये देखिए उल्टे तरफ से इसको अटैच करना है ताकि उल्टा तरफ सीधा हो सके। बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है उसको हम कट कर देंगे और इसको पलट के आगे की तरफ से मोड़ करके 2 इंच जिसमें हम 1 इंच जिसमें हम
बटन लगाते हैं, काज बनाते हैं, बटन के लिए जो काज बनाते हैं उस पर, और सीधा दो सिलाई चलाएंगे, एक तो बीच किनारे से और एक थोड़ा सा एक सूत हट के चला देंगे। डेढ़ इंच का पट्टी कट करें, तिरछा पट्टी इसको बोलते हैं, उड़े पट्टी, इस तरह से कट करें और आपस में दो सब पट्टी, जितने भी पट्टी कटे हैं सबको जोड़ लें, ये हमें गला में काम आएगा। मैंने पट्टी को जोड़ दिया है और गले में अब हम पूरे इस साइड से इस साइड तक पूरे साइड में जोड़ लेंगे इसी तरह से। अब देखिए इस तरह से ये जोड़ लिया है मैंने। अब इसको दो सूत के मार्जिन दे करके इस पर भी सिलाई चला देना है, पूरा इसी तरह से मोड़ मोड़ करके फोल्ड करके पूरा में हमें चला देना है इसी तरह से। ये आपका गला तैयार हो गया। और हमें अब क्या करना है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देना है, ठीक है। साइड में भी करना होता है लेकिन इस साइड में ये पार पड़ा हुआ है तो इसलिए हम इस साइड में नहीं करेंगे। दोनों पार्ट को जोड़ देंगे आपस में। ये देखिए ऊपर से मिला ले, मिलाने के बाद दोनों पार्ट को जोड़ दे। उस साइड भी हमें इसी तरह से जोड़ लेना है और फिर नाप करके इसको मैच कर लेना है कि साइज के अकॉर्डिंग ये है या नहीं है, और फिर इसमें स्लिप लगा देना है। हो गया आपका ब्लाउज रेडी। अब इसमें हम स्लिप लगाएंगे, स्लिप के अकॉर्डिंग जो भी आपका नाप है वो ले ले और इस पर सिलाई चला दे। स्लिप को सीधा करके आर्म होल के ब्लाउज का जो नाप है उसमें फिट करके देखें कि ये फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कम है तो उस हिसाब से कर ले, ज़्यादा है तो कम कर ले। और थोड़ा सा स्लीव को एक साइड से कट कर ले और जिस साइड से कटा है उसी साइड से फिर जोड़ ले, फ्रंट में जिस साइड में ज़्यादा कट है उसे फ्रंट में जोड़े, पूरा नाप ले और नाप करके इस पे सिलाई चला दे। ये देखिए नापी ले कैसे लेते हैं, इसको अंदर करके और स्लीव को इसके इससे पूरा बराबर कर ले। ये देखिए पूरा बराबर है। अब हम इसमें उल्टा करके फिर इस पे एक सिलाई चला के और जोड़ लेंगे। इसी तरह आप उस में स्लीव में भी इसी तरह से कर लें। आपका ब्लाउज रेडी हो चुका है, इसी तरह से करके आपका ब्लाउज रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स आपको वीडियो अगर ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।